चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द फिगर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये फिगर दिया हुआ है। तो इस वायर स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, ऊपर वाला ये जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस पे है, ओ पॉइंट इस वायर के एक्सिस पे है। अच्छा, इस सर्कुलर सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है याद करो। अगर एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की, ठीक है, तो उसका सेंटर ओ है और ये एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ थीटा अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट है, ये होता है। तो ये सेमी सर्कुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इस वायर कॉइल की वजह से कितना हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, ये ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। इसको कहा हमने B1। तो इस वायर की वजह से, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 180 अपॉन 360 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, यानी 1/2, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 4R हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4R, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पर तो बी और डी ऑप्शन है। अब ये वाले वायर की बात करते हैं, ये वाले स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो सबसे पहले याद करो फिर से, स्ट्रेट वायर है और फाइनाइट लेंथ का, अज्यूम करो फाइनाइट लेंथ का वायर है, तो उसके आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और उसमें करंट आई एम्पियर की फ्लो हो रही है, ये अल्फा ये बीटा, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi r ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब यहां ध्यान से देखो, ये लेंथ वायर काफी आगे तक होगा, ठीक है, तो अब अगर एक तरफ एक एंड पे अगर वायर इंफिनिटिव लेंथ का हो, अगर वायर इंफिनिटिव लेंथ का हो, वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, इट मीन्स अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री होंगे, और अगर 90 डिग्री होंगे साइन 90, साइन 90 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक वायर के मतलब ऊपर भी वायर की लेंथ इंफिनिटिव है, नीचे भी इंफिनिटिव है, तो अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री होंगे। लेकिन अगर आप खड़े हो कहां पर, जैसे मैं यहां पर फिगर बना रहा हूं, मान लो यहां पर आप खड़े हो, एक एंड पे खड़े हो और ऊपर की तरफ वायर इंफिनिटिव लेंथ का है ऊपर कहीं, तो अल्फा तो 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा 0 डिग्री हो जाएगा ना, उस केस में ये टर्म 0, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ध्यान से सुनना, सेंटर पे वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi r 1 plus 1, क्योंकि जब अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi r सेंटर पे। लेकिन इंड पे कितना होगा, ध्यान से सुनना, इंड पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अल्फा है 90 लेकिन बीटा है 0, उस केस में क्या होगा, उस केस में इंड पे मैग्नेटिक फील्ड इन वायर इंफिनिटिव है लेंथ का है, ध्यान रखना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi r 1 plus 0, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi r होगा मैग्नेटिक फील्ड इंड पे मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डबल होगी इंड पे मैग्नेटिक फील्ड के, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड डबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इंड पे मैग्नेटिक फील्ड, ये एक वायर के इंड पे है ना, ओ पॉइंट इस वायर के इंड पे है, और ये डिस्टेंस भी आर होगी, तो क्या हो जाएगा, और इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है, इसकी वजह से भी अपवर्ड और उसकी वजह से भी होगा, नहीं करेक्ट है ना, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही हो गई ना। सो बी टू की वैल्यू कितनी हो गई, बी टू की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi r हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है ना, देख लो एक बार, चेक कर लो, ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, देख लो एक बार, चेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।